जी हाँ दोस्तों, एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। 46 साल की उम्र में अचानक साइमंड्स के निधन की इस खबर के बाद से ही खेल जगत सदमे में ही। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर साइमंड्स के साथी खिलाड़ी और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन समेत कई दिग्गजों ने भावुक ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। इसमें माइकल वॉन ने कहा कि साइमंड्स का निधन हो गया है, यह बात हकीकत नहीं लग रही। हरभजन सिंह ने कहा कि एंड्रयू साइमंड्स के आकस्मिक निधन की खबर सुनकर अचंभित हूं, बहुत जल्दी चले गए, परिवार और दोस्तों के लिए संवेदनाएं हैं। हरभजन सिंह के साथ साइमंड्स का 2008 में सिडनी टेस्ट के दौरान मंकी गेट विवाद हुआ था, लेकिन आपको बता दें दोस्तों किस तरीके से साइमंड्स के निधन ने हर किसी को दंग कर दिया। बता दें कि साइमंड्स की शनिवार रात टाउन्स विले में एक कार दुर्घटना में जान चली गई। क्वींसलैंड पुलिस ने बताया कि शहर से लगभग 50 किलोमीटर वेस्ट के हरवे रेंज में रात करीब 10:30 में एक हादसा हुआ था। शुरुआती जांच में बात सामने आई है कि तेज रफ्तार कार सड़क पर पलट गई। साइमंड्स को बचाने की कोशिश काफी की गई, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। पुलिस ने बताया कि हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई थी। शोएब अख्तर लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कार हादसे में एंड्रयू साइमंड्स के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। फील्ड के अंदर और बाहर मैंने उसके साथ काफ़ी शानदार समय बिताया, उसके परिवार के लिए संवेदनाएं हैं। वहीं एडम गिलक्रिस्ट ने लिखा कि हकीकत में इस खबर ने बहुत दुख पहुंचाया है। पूरा क्रिकेट जगत दोस्तों इस खबर से बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि एंड्रयू साइमंड्स दोस्तों, रिमेंबर द नेम, ये वो नाम है जो बॉलीवुड फिल्मों में शिरकत करते नजर आया है। एंड्रयू साइमंड्स जब खेलते थे तो एक अलग ही नज़ारा मैदान पर होता था। स्लेजिंग का मामला तो खूब होता था, लेकिन एंड्रयू साइमंड्स 46 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।